और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा स्थानीय होटल साखी रिसोर्ट में परियोजना क्षेत्र बड़वानी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण की विधिवत शुरुआत सर्वप्रथम मां शारदा के चित्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक अजय गुप्ता, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य आनंद सोनी, भगवान सिप्टा एवं सेव द चिल्ड्रन संस्था के राज्य कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप नायर एवं तन्वी चौहान के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद सेव द चिल्ड्रन संस्था के राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रदीप नायर ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य एवं आवश्यकता के बारे में बताया। इसके बाद प्रशिक्षक तन्वी जी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में किस प्रकार कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें NRC केंद्र भेज सकते हैं, कुपोषण से बचाव के क्या तरीके हैं, गर्भावस्था में किस प्रकार का आहार गर्भवती महिलाओं को लेना है व किस प्रकार वे सुरक्षित प्रसव करा सकते हैं, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की ऊंचाई वजन किस प्रकार उपकरणों की सहायता से मापा जा सकता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया, जिससे कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों को अच्छे से संचालित कर पाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सेव द चिल्ड्रन संस्था के परियोजना समन्वयक मनीष गुप्ता के द्वारा किया गया। उक्त प्रशिक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से अजय गुप्ता, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य आनंद सोनी आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जाने तक बच्चे को गर्म रखने के लिए कपड़े या कंबल से ढक कर रखें। बच्चे के तापमान को कम होने से बचाने के लिए स्केल पैन में एक कपड़ा डाल दें। पैन में कपड़ा डालने के बाद वजन स्केल को शून्य पर कर दें, टेयर बटन दबाकर। बच्चे को धीरे से पैन में रखें। बच्चे के शांत होने तथा वजन के स्थिर होने का इंतजार करें। 0.01 किलोग्राम के पास का वजन नापें या जितनी सटीकता से संभव हो वजन लें और तुरंत लिख लें। तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेट दें। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।